साल 2021 का बजट कुछ लोगों को नाराज कर रहा है तो कुछ लोगों को इसमें अपना फायदा नजर आ रहा है। बात करें अगर ऑटो कंपनियों की तो इस बजट में इनकी एक ऐसी मांग पूरी की गई है जो ये लंबे समय से कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी होती क्या है। इस पॉलिसी के तहत अब 20 साल पुराने निजी वाहनों का और 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों का उपयोग बंद किया जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे न सिर्फ प्रदूषण कम करने बल्कि भारत के ईंधन आयात के खर्च को भी कम करने में मदद मिलेगी। देश की ऑटो कंपनियां लंबे वक्त से स्क्रैपेज पॉलिसी लाने की मांग कर रही थी। इनकी यह मांग इस बार के बजट में पूरी हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों और 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों को कबाड़ में बदला जा सकेगा। हालांकि यह पॉलिसी फिलहाल स्वैच्छिक होगी, यानी अगर आप स्क्रैप ना करना चाहें तो फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा। अभी नियम और शर्तें क्या होंगी, कितना इंसेंटिव दिया जाएगा, ये सभी बातें अलग से सड़क और परिवहन मंत्रालय जारी करेगा। ज्यादातर ऑटो कंपनियों ने इस पॉलिसी का स्वागत किया है, लेकिन अभी पूरी पॉलिसी सामने आने का इंतजार है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी ने बताया कि अगर इसके हिसाब से 1990 को आधार माने तो इस दायरे में करीब 37 लाख कमर्शियल और 52 लाख पैसेंजर गाड़ियां आ रही हैं। अब हमें देखना ये है कि इस पॉलिसी में कितने और किस तरह के इंसेंटिव का ऐलान किया जाता है। इसके बाद ये पता लग पाएगा कि इसका कितना सकारात्मक असर पड़ने वाला है, क्योंकि लोग इंसेंटिव देखकर ही आगे आएंगे। हालांकि इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों का ये मानना है कि नई कारों की बिक्री पर इसका फिलहाल ज्यादा असर नहीं होगा। अगर स्क्रैपेज गाड़ियों की उम्र कम रखी जाती है और इंसेंटिव ज्यादा होता है तो लोगों में पुरानी कार को स्क्रैप करके नई कार लेने का ट्रेंड जोर पकड़ेगा। लगभग पूरी इंडस्ट्री इसे एक सकारात्मक कदम बता रही है। इसका फायदा आगे चलकर दिखेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।